और कुछ जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस तमाम खबर पर अधिक चर्चा के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नदीम का, जो कि पल पल की जानकारी और पल पल की चर्चा हमारे साथ कर रहे हैं। जी नदीम। यहाँ पर फिर दोबारा जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी और तमाम इंटर जो सुरक्षा एजेंसी उसकी नाकामी की यहाँ पर जो साफ दर्शाती हुई जाहिर हो गई। हमारे साथ चर्चा करने हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी। गांधी जी, हाल ही में आईबी ने अलर्ट जारी किया कान्हा किसली कवर्धा में नक्सली जो है वो मूवमेंट बताया गया, और मुख्यमंत्री एक दिन पहले ही उस क्षेत्र से वापस आए और दूसरे दिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है, किस ओर ये इंगित करता है? देखिए, कान्हा किसली का आपने जो बात की, वो कवर्धा से लगा हुआ क्षेत्र है और वहाँ के लिए अलग रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन अभी जो बस्तर में जो घटनाक्रम निकल के सामने आया है, इसमें जब नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी से हमारी बातचीत हो रही थी, जो अपने दर्शकों को हमने सुनाया, उनका ये कहना था कि एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल थी जिसमें करीब 8 से 10 लोग सवार थे, और उस एंटी लैंडमाइन व्हीकल को यहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा के उड़ाया। विस्फोट काफी जबरदस्त था, और जो तस्वीरें हमारे पास आई है, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास में है, उस एक्सक्लूसिव तस्वीर में परकच्छे उड़ गए हैं पूरे उस एंटी लैंडमाइन व्हीकल के। और अभी एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है पुलिस मुख्यालय में, जिसका नेतृत्व यहाँ पे डीएम अवस्थी खुद कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि घायलों को रायपुर लाया जाएगा, कुछ ही देर में घायलों को रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जाएगा। इस बीच में जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें ये कि सीआरपीएफ के वर्दी में यहाँ पे नक्सली थे, करीब 150 नक्सलियों की संख्या वहाँ पे बताई जा रही है, और सुबह से ही एक टीम जो कोबरा की टीम थी वो निकली थी किस्टाराम कैंप से, और कोबरा की टीम एंटी लैंडमाइन व्हीकल भी था, क्योंकि एंटी लैंडमाइन व्हीकल वहाँ पे रोड ओपनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डोमिनेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो एंटी लैंडमाइन व्हीकल को इस बार यहाँ पे नक्सलियों ने निशाना बनाया है। जी, नक्सलियों का ये जो गर्मी का मौसम होता है, बड़ी घटना लगातार हो, इससे पहले भी जो हम देखे झीरम कांड हो गया, उससे पहले हम राजनांदगांव का अगर नक्सली हमला देखे, अभी 25 जवान शहीद हुए, उसके बाद एक बड़ी घटना, और आईबी ने कुछ दिन पहले ही केंद्र की जो है उसने जारी किया, तमाम तरह के सरकार दावा करते हैं, उसके बाद नक्सली जो पैतरा है वो भी पैटर्न बदल बदल के कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपने जो उनका पारंपरिक जो है तीर से उन्होंने दागा, अब जो एंटी माइंड लाइन से, तो ये जिस तरह से पैतरा बदल रहे, तो क्या सुरक्षा एजेंसियों को और किस तरह से आगे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहां यहां सुरक्षा एजेंसी भी कहीं ना कहीं घेरे पर खड़ी है। देखिए, 150 अगर नक्सलियों की आमोद्रफ होती है तो पहली चीज ये कि 150 नक्सलियों की आमोद्रफ एक-एक तो नहीं हुई होगी, सूचना तंत्र को इसकी जानकारी भनक कैसे नहीं लगी। किस्टाराम में आपका बेस कैंप है कोबरा का, सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे मौजूद है, कोबरा की एक स्पेशल बटालियन है जो नक्सलियों से लोहा लेती है और काफी अच्छा काम भी कर रही है। तो उस क्षेत्र में देखिए, दबाव जब भी नक्सलियों के ऊपर होगा तो उस दबाव की वजह से नक्सली अक्सर इस कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरह से दबाव को कम किया जाए। और चूंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सबसे महत्वाकांक्षी योजना लोक स्वराज अभियान चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुछ ही दिन पहले, मतलब एक दिन पहले आप मान लीजिए 11 मार्च को वो उस रोड से निकले जो अक्सर नक्सलियों के निशाने पर रहता है, भेजी इंजरम मार्ग, वो रोड बनाया जा रहा है, और सरकार की ऐसी मंशा है कि उस रोड के जरिए नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए। अगर ये रोड बन गया, जहां तक बनना है, अगर ये रोड बन गया तो नक्सली बैकफुट पे आएंगे, और नक्सली इस दबाव को कम करने के लिए, क्योंकि फोर्स का मूवमेंट हुआ बड़ा लोक स्वराज अभियान में, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहले दिन ही पहुंचे तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, और इस बीच में अगर नक्सली कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और एक जगह इकट्ठा करके अगर टारगेट किया गया पर्टिकुलर एक व्हीकल को, तो निश्चित तौर पे नक्सलियों के पास में इनपुट रहा होगा, और इस इनपुट के आधार पे ही नक्सलियों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। उन्होंने रैकी भी की होगी कि व्हीकल, क्योंकि विस्फोट देखिए एक तो विस्फोट लगाया नहीं जा सकता, वहां पे पहले से एंटी लैंडमाइन व्हीकल को उड़ाने के लिए विस्फोटक बहुत बड़े तादाद होना चाहिए और बहुत हेवी चाहिए, तो वहां पर विस्फोटक नक्सलियों ने तो लगा रखा है 40,000 वर्ग किलोमीटर में जो उनके विस्फोटक के लगाए जा चुके हैं, और उस 40,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में जब भी उनको जरूरत होती है वो सिर्फ वायर लगाते हैं और विस्फोट कर डालते हैं।
तो एंटी लैंडमाइन व्हीकल को उड़ाने के लिए जो जिस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने विस्फोटक इस्तेमाल किया होगा वो भी एक जांच का विषय है, क्योंकि रोड ओपनिंग की जाती है। एजेंसियों की भूमिका किस तरह से यहाँ पर सवाल यह नुकसान, क्योंकि लगातार वो दावा करते हैं कि घटना हो जाती है उसके बाद जारी होता है कि हमको इसकी आशंका थी लेकिन घटना हो जाती है, सुरक्षा एजेंसियां सवाल खड़ा कर रही है। देखिए आईबी ने जिस दिन अलर्ट जारी किया था उसके ठीक अगले दिन ही घटना हो गई थी, सुरक्षा एजेंसी अपना काम करते थे कि इनपुट कैसे आएगा, ग्रामीणों का विश्वास यहाँ पर जितना होगा ग्रामीण ही आपको इनपुट देंगे, जो आदिवासी उस क्षेत्र में वही इनपुट देंगे, उनसे इनपुट निकाल पाना क्योंकि नक्सलियों का भी उनके ऊपर दबाव होता है और आदिवासी दो पार्ट में पिस रहे वहाँ पे, एक तरफ नक्सली अपना दबाव बनाते हैं एक तरफ पुलिस फोर्स का भी दबाव रहता है कि आप हमें सूचना दीजिए। तो अगर कोई ग्रामीण कोई आदिवासी नक्सलियों के बारे में पुलिस को सूचना देता है तो मुखबिरी के शक में उसकी हत्या कर दी जाती है, और ऐसे में मुखबिरी के शक में जब हत्या की जाती है जनताना सरकार के द्वारा, जब जन आंदोलन जब उनका एक पूरी बैठक होती है उस बैठक में जब उस व्यक्ति को लाया जाता है तो सजा सुनाई जाती है, तो ऐसे में कोई भी वहां पर पुलिस के लिए मुखबिरी नहीं करना चाहता। तो सूचना कैसे निकलेगी, सूचना के लिए आपको ग्रामीणों का विश्वास जीतना पड़ेगा और वहां पर सूचना तंत्र को काफी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तमाम यहाँ पे योजनाएं चल रही है, तमाम सूचना तंत्र को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सूचना के आदान प्रदान में काफी डिफिकल्टी है जिसकी वजह से नक्सल यहाँ पे अक्सर हावी होते नजर आते हैं। ये भी शिकायत मिलती रही है कि जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है, स्थानीय लोग का सहयोग के अलावा स्थानीय पुलिस की जो सहयोग है वो सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिल पाता है, दोनों के बीच तालमेल नहीं बने की वजह से भी एक बड़ी घटना, और यही वजह रही कि आज की घटना दोनों की आपसी तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बैठी और जिसकी वजह से आज ये बड़ी घटना हो गई। देखिए तालमेल का तो अक्सर प्रश्न उठता है और तालमेल को लेकर आला अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं हमारे बीच में सामंजस्य जबरदस्त है, और देखिए उस इलाके को भी समझिए, दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा लग रही होती है, तो नक्सल अक्सर एक राज्य में अपनी वारदात को अंजाम देते हैं और दूसरे राज्य में निकल जाते हैं, और किस्टाराम से लगा हुआ आंध्र का बॉर्डर है, वहाँ खम्बम डिस्ट्रिक्ट काफी नजदीक में है, तेलंगाना का बॉर्डर है, इसके अलावा वहाँ पे इस घोर नक्सली क्षेत्र, और इस नक्सली क्षेत्र में उन्होंने एक अपना प्रभुत्व जमा रखा है लंबे समय से, क्योंकि जब भी फोर्स निकलती है तो कोशिश होती है कि नक्सलियों को खदेड़ा जाए जितना, क्योंकि हार्डकोर नक्सली जो है उस इलाके में अक्सर सक्रिय रहते हैं, और अक्सर यही देखने को मिलता है कि जब भी किसी घटना को अंजाम देना होता है क्योंकि अभी दबाव भी काफी है, देखिए दो बहुत बड़े ऑपरेशन यहाँ पे चलाए गए प्रहार 1 और 2, और इसमें पापा राव को भी भागना पड़ा जो नक्सलियों का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, और अक्सर ये कहा जाता है कि अभी हाल में जिस तरह से घटना हुई उसमें पापा राव की बहुत बड़ी भूमिका रही, तो इस घटना के पीछे भी किसी बहुत बड़े लीडर का नाम अभी आएगा, लेकिन अभी पुलिस फोर्स का मुख्य उद्देश्य ये है कि वहां से घायल जवानों को निकालना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि जब आप री इन्फोर्समेंट फोर्स भेजते हैं तो नक्सली उसको भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि संख्या बहुत बड़ी बताई जा रही है, और चौतरफा उनकी घेराबंदी करना फिर कोशिश ये रखना कि उनको डैमेज किया जाए, और देखिए पुलिस के अपने अभी दावे आएंगे कि क्योंकि उन्होंने वहां पे टारगेट किया है, कोबरा ऐसे आसानी से तो उन्होंने नक्सलियों को छोड़ा नहीं होगा, उन्होंने वहां पे रिस्पांस भी किया होगा, तो नक्सलियों के मारे जाने के भी अभी दावे निकल के सामने आएंगे, क्योंकि एंटी लैंडमाइन व्हीकल को उड़ाने के बाद वहां की स्थिति क्या हुई, अंधाधुंध फायरिंग क्या हुई, उसके बाद में जिस तरह से परखच्चे उड़े हैं, जवानों को संभलने का मौका मिला या नहीं मिला, एंटी लैंडमाइन व्हीकल किस उद्देश्य से जा रहा था ये एक प्रश्न है, दूसरा चीज क्या एंटी लैंडमाइन व्हीकल के साथ में क्या फोर्स के भी मूवमेंट थे, क्या एंटी लैंडमाइन व्हीकल आगे चलता है और फोर्स पीछे में भी रहती है कि अगर एंटी लैंडमाइन व्हीकल के जरिए, और क्योंकि डॉग स्क्वाड की भी टीम उनके साथ होती है तो विस्फोटक को खोजने के लिए ये टीम अक्सर निकलती है और एंटी लैंडमाइन व्हीकल का इस्तेमाल कई सारी चीजों के लिए किया जाता है, तो फिलहाल कई सारे ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब यहाँ पे पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारी भी खोज रहे होंगे, और वहां पर जो फोर्स है जो किस्टाराम के बेस कैंप से भी अभी फोर्स रवाना हुई है और वहां से ये कोशिश हो रही है कि घायल जवानों को निकाला जाए और जो शहीद हो चुके हैं जवान को उनके बॉडी को भी रिकवर किया जाए, क्योंकि अक्सर ये भी कोशिश होती है नक्सलियों की कि वहां पे वो बॉडी में भी विस्फोटक लगा देते हैं कि कोई अगर जवान बॉडी को उठाने जाता है तो वो भी विस्फोट हो जाए और उससे जवान जो जवान उस शव को उठाने जा रहा है उसको वो उसकी चपेट में आ जाए, तो ये भी अक्सर देखने को मिला है, तो वहां पे 48 पॉइंट्स होते हैं नक्सल मोर्चे पे लड़ने के लिए। वैसे कोई आईडीएम अवस्थी जी से आपकी चर्चा हुई है, कितने जवान शहीद हुए, कुछ आंकड़े निकल कर सामने आए? देखिए उन्होंने अभी पुष्टि इस तरह से नहीं की है, लेकिन जो पीटीआई से निकल के खबरें आ रही है 8 जवानों की पुष्टि पीटीआई कर रहा है, और उसमें डीएम अवस्थी जी ने जो बात कही है कि 10 लोग उस गाड़ी में थे और वो चपेट में आया है विस्फोट के और विस्फोट हुआ है वहां पे, अब इसमें कितने जवान घायल हैं और कितने जवान शहीद हैं इसको
वन लाइन हमारे मतलब हम लोग की मैं कैडेट उन्होंने ऐसे नहीं बुलाया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 8 जवानों की शहादत की खबर है और कुछ सूत्र जो है इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं, अभी फिलहाल सूत्रों से ही निकल के सामने आ रही है। ये संख्या घट बढ़ भी सकती है, या संख्या बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है, लेकिन यह है कि वहां पर घटना नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को वहां पे अंजाम दिया है। सरकार को इसके लिए बेहतर एक रणनीति की आवश्यकता है, किस तरह की रणनीति की आवश्यकता है, और ताकि इन जवानों की शहादत पे रोक लगे और सरकार के जो दावे हैं, वो जो यहाँ पर दावे हैं कि नक्सली हम खात्मे की ओर है, लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जवानों की शहादत हो रही है, उससे तो नहीं लगता कुछ प्रतिशत की कमी आई, लेकिन आंकड़े कुछ और बयान कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि जिस तरह से आपने आंकड़ों की बात की, आंकड़े अगर देखा जाए तो जब ताड़मेटला की घटना हुई थी 6 अप्रैल को और 76 जवान जब शहीद हुए थे 2010 में, तो वो आंकड़े एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, लगातार उसमें फिर गिरावट भी आते गए। और अभी जब पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी तो उसमें ये बातें निकल के सामने आई थी कि अब हम लगातार दबाव बना रहे हैं और संख्या भी कम हुई है, ये माना जा रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई है कि काफी सफलता मिली है नक्सल मोर्चे पर। देखिए, लेकिन नक्सलियों की जो सबसे बड़ी रणनीति ये होती है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे। अक्सर ये होता है कि नक्सलियों को कमजोर समझ लेने की गलती यहाँ पे सुरक्षा बलों के द्वारा की जाती है और लिहाजा ऐसे में जब सुरक्षा बल इसको हल्के में लेते हैं तब नक्सली कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाते हैं और वो फिर किसी घटना को अंजाम देते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। तो यही देखने को मिला, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में जिस तरह से जो जहां से जनताना सरकार शुरू होती है, जो उनका अपना एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में उनका अपना दबदबा है, तो फोर्स की भी यही कोशिश होती है कि इनपुट के आधार पर फोर्स बढ़े और उस कैंप को ध्वस्त करे, क्योंकि उनका कैंप भी मूव होता रहता है, कभी कहीं कैंप होता है कभी कहीं कैंप होता है। और जब आज किस्टाराम से जो जवान निकले हुए थे, जिन जवानों के पास में क्या इनपुट थी, एंटी लैंडमेंट व्हीकल निकलना और एंटी लैंडमेंट व्हीकल के परखच्चे उड़ना और वहां पे विस्फोटक की जानकारी नहीं होना, क्योंकि देखिए डॉग स्क्वाड भी जो होता है, जब इसमें तकनीकी अगर जानकारी की बात की जाए तो 6 फीट के नीचे, 6 से भी 7-8 फीट नीचे ये इस तरह के विस्फोटक छिपा कर रखते हैं कि डॉग भी उसे पकड़ नहीं पाते। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी चुनौती है उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में चुनौती वहां जो जवान है वो वहां पे मोर्चा संभाले वही जानते हैं। और कुल में रणनीति की जहां तक बात हुई थी कि रणनीति तो सरकार को बनाना है और सामाजिक आर्थिक के समस्या के तौर पर इसे देखा जाता है, सामाजिक और आर्थिक विकास भी करना है उस क्षेत्र को, और एकाएक एक दिन में तो चमत्कार हो नहीं सकता, लेकिन वहां पर जिस तरह से कई कैंप है CRPF के, STF के, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स के, और वहां पे सामंजस्य के साथ में आदिवासियों के सामंजस्य के साथ में आदिवासियों को विकास कार्यों से जोड़ते हुए और वहां पे विकास की जो तमाम कोशिश है वो सरकार करती है, लेकिन इसमें नक्सली कभी ना कभी हावी हो जाते हैं और एक छोटी सी घटना वहां पे तमाम जो विकास कार्य है उन विकास कार्यों के लिए और उधर कहीं ना कहीं समझ होता है। जी, तो अभी आला अधिकारियों की बैठक चल रही है, जो आंकड़े हैं पार्टी वहां पर भेजी जा चुकी है, वहां से सबसे बड़ी चुनौती जो घायल जवान और शहीद जवान है उनको वापस लाना है, क्योंकि उन पर भी कहीं ना कहीं हमला का जो डर है वो बना रहता है। अधिकारियों की बैठक चल रही है, एक रणनीति बनेगी, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस घटना के बाद सरकार जो है वो प्रहार 3 जो है वो लॉन्च करेगी और नक्सलियों के मान में घुस करके जो है फिर इसकी जवाब जो है वो देगी। हम इस पूरी खबर पर लगातार आपके साथ बने रहेंगे। बैक टू पवेलियन।